अब हम थोड़ा सा फिर से रेस्ट और मोशन को समझेंगे जरा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि किस बॉडी को हम बोलेंगे रेस्ट में, हालांकि कोई बॉडी रेस्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिफाइन करने के लिए एक बॉडी को हम मान सकते हैं रेस्ट में अगर वो अपनी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स न बदले, तो दिस इज कॉल्ड एट रेस्ट। और अगर इसने पोजीशन बदली, अब इसने चलना शुरू किया, ये अपनी पोजीशन बदलती जाएगी विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, सो इसको हम बोलेंगे दिस इज इन मोशन। लेकिन इनमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं सड़क के किनारे खड़ा रहता हूं और यहां से एक गाड़ी जा रही है, उसमें चार दोस्त बैठे हैं। अब आपको बोलना है कि आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं। डेफिनेटली मैं अपने आप को समझूंगा रेस्ट में, लेकिन मैं भी रेस्ट में नहीं हूं अगर हम कंसिडर करें अर्थ की मोशन। और जो गाड़ी में बंदे जा रहे हैं वो तो पोजीशन चेंज कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू मी, तो हम कहेंगे दे आर इन मोशन। लेकिन अगर देखा जाए वो आपस में बैठे हैं चार, उनका क्या है, क्या स्टेट है उनकी, क्या वो रेस्ट में या वो मोशन में है? वो एक दूसरे के रिलेशन में रिलेटिव टू ईच अदर अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे हैं, जो जहां वहीं बैठा है, सो दे आर एट रेस्ट, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मी दे आर इन मोशन। सो बोथ द टर्म्स रेस्ट एंड मोशन दे आर रिलेटिव टर्म्स, राइट। तो उसके बाद मोशन की हमारे पास टाइप्स भी हैं। जनरली तीन टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर टू रोटेटरी, एंड द थर्ड इज ऑसिलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन को हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं, रोटेटरी मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं, और ऑसिलेटरी समटाइम्स वाइब्रेटरी या टू एंड फ्रो मोशन कहलाती है। थोड़ा सा मैं इन पे लाइट डालता हूं। ट्रांसलेटरी मोशन किस चीज को बोलते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बना है, और जब ये पूरी बॉडी चले सीधा स्ट्रेट लाइन में, हर एक पार्टिकल पैरेलल टू ईच अदर मूव करे, जैसे इस ऑब्जेक्ट को देखो, कुछ पार्टिकल्स पोज मैंने किए हैं, जब ये बॉडी मूव करेगी हर एक पार्टिकल पैरेलल टू ईच अदर मूव कर रहा है, चाहे ये सीधा चले या zig-zig यानी मोड़ काटे, तो आप देखेंगे पार्टिकल्स की मोशन जो यहां है वो यहां है, यानी दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इन इस बॉडी की मोशन कहलाएगी ट्रांसलेटरी मोशन। आप सीधा कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, एक गाड़ी ट्रेन सीधी जाती है, बस सीधी चलती है, तो उसकी मोशन कहलाएगी ट्रांसलेटरी मोशन। सो उसके बाद रोटेटरी, रोटेटरी इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एक एग्जांपल के तौर पे एक फैन अगर हमारे पास है, फैन की मोशन क्या होगी, आप जहां बैठे हैं फैन आपके सर के ऊपर है, क्या फैन जब ऑन किया जाता है, क्या उसके जो विंग्स होती हैं उनकी मोशन आप गौर से अगर देखेंगे तो देखेंगे विंग्स चलती हैं सर्कल्स में। कोई दो तीन पार्टिकल चूज कीजिए, मैंने दो पार्टिकल सेलेक्ट किए हैं, एक पार्टिकल सपोज यहां पे है जहां मेरा पेन है, और जब विंग्स मूव करेंगी ये पार्टिकल विंग्स का जो है देखो सर्कल बनाता है, दूसरा पार्टिकल यहां चूज किया है उसने सर्कल बनाया है, तो मोशन कैसी है इन पार्टिकल्स की जो मैंने सिलेक्ट किए हैं फैन के पंखों पे, फैन के विंग्स पे, तो उनकी मोशन आपको डेफिनेटली क्या लग रही है, सर्कुलर मोशन। तो ये जो है ये मोशन फैन की एग्जाम्पल है रोटेटरी मोशन की, जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, दे रिवॉल्व करते हैं सॉरी अराउंड द न्यूक्लियस, सो दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। एंड देन थर्ड कम्स ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन को बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर से दिस इज ए सिंपल पेंडुलम, ये जो इस वक्त पेंडुलम मेरे हाथ में है इसको बॉब बोलते हैं, और ये जो यहां से यहां तक ये जो स्ट्रिंग है दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में या इसी 11th में किसी नेक्स्ट यूनिट में। तो आप देखिए इस वक्त जो पोजीशन है दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। अब अगर इसको मैं साइड पे ले जाता हूं और उसके बाद रिलीज करता हूं, सी व्हाट इज द मोशन, दिस इज टू फ्रो, टू फ्रो, दिस टू फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। और अगर ये बहुत तेजी से ऑसिलेट करे,
जैसे अभी बोर्ड को मैं ऐसे करता हूं, राइट, बीट किया, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग लाइक दिस, राइट, ऐसी मोशन इसकी भी है जैसे इसकी है, लेकिन बहुत तेज है, तो ऑसिलेटरी को उस वक्त हम वाइब्रेटरी कह सकते हैं। तो फास्ट जब ऑसिलेशन फास्ट कराई जाए उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी। तो ये तीन किस्म की मोशंस हम इन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल टाइप्स ऑफ मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर मोशन को बोलते हैं, रोटेटरी मोशन सर्कुलर मोशन को बोलते हैं, और ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन को बोलते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, पेंडुलम जो इनको रिलीज करेंगे साइड पर लेके, तो इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, राइट, ऑसिलेशंस यहां प्रोड्यूस होती हैं। सो इस तरीके से ये कहलाती हैं टाइप्स ऑफ मोशन।